नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं आपके साथ पारो। लोकतंत्र में जनता नेताओं से उनके काम का हिसाब मांगती है और कोई कोर कसर रह जाए अगर तो चुनाव में सबक सिखा भी देती है। जब कोई चुनाव हार जाए तो वो जनता से थोड़ा ज्यादा ही हमदर्दी दिखाने लगता है और जब विपक्ष में हो तो मसीहा बनने का जोश कुछ ज्यादा ही रहता है। ऐसे में जोश में होश खोकर नेता सियासी तहजीब को ताक पर रखकर काम कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही इन दिनों हम देख रहे हैं। सियासत तो गर्म है लेकिन ताक पर तहजीब है। देखिए रिपोर्ट। लोकतंत्र का ये कैसा नसीब, नेताओं ने रखी ताक पर तहजीब। गुमठियां बचाने में दिया विवादित बयान, मच गया सियासी घमासान। लोकतंत्र में नेता जनता की नुमाइंदगी करते हैं और जब वो सत्ता से बेदखल हो जाते हैं या फिर अपनी सांसदी या विधायकी गवा देते हैं तो उन्हें अपने समर्थकों के हितों की चिंता ज्यादा सताने लगती है। भोपाल मध्य से बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सुरेंद्र नाथ सिंह पिछले साल दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव में अपनी सीट गवा बैठे थे। इस समय प्रदेश में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है और अतिक्रमण विरोधी दस्ता अवैध गुमटियों को हटाने की कार्रवाई कर रहा है। सुरेंद्र नाथ सिंह की इन गुमटी वालों के बीच अच्छी खासी पैठ है और उन्हें खुद को फिर से उनका नुमाइंदा साबित करना है। बस फिर क्या था, मौके को भापते हुए पूर्व विधायक अतिक्रमण का विरोध करने के चक्कर में अपना आपा खो बैठे। हद तो तब हो गई जब वो अतिक्रमण विरोधी दस्ते पर दबंगई दिखाने के चक्कर में सीएम कमलनाथ को ही खून बहाने की धमकी दे बैठे। और हमने आज बता के किया है कि हम आज घेराव करने वाले हैं, लेकिन जो हमारा हमला आने वाला होगा वो बगैर बताए होगा। हम सब सीएम के बनने को चाहेंगे, हम सब सीएम के बनने को चाहेंगे। ये आप किसी को बता नहीं बस फिर क्या था। बीजेपी के पूर्व विधायक ने सीएम को धमकी क्या दी, सत्ता पक्ष को तो मानो मुद्दा मिल गया। कार्यकर्ताओं ने सदन से बाहर टीटी नगर थाने के सामने प्रदर्शन किया तो मंत्री विधायकों ने विधानसभा में जमकर हंगामा। और हद तो तब हो गई जब सत्ता पक्ष के विधायकों ने सदन से वॉकआउट तक कर दिया। हालांकि खुद को सीएम कमलनाथ ने अपनी शालीनता बरकरार रखते हुए सदा हुआ बयान दिया। ये तो सदन ने पूरी इसकी निंदा करी है, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है कि मैं निंदा करूं। ये जो भाजपा की संस्कृति है ये उजागर हो रही है। लेकिन वफादारी दिखाने का रोग तो कांग्रेस नेताओं में भी है। बस फिर क्या था, कांग्रेस विधायक गिरिराज दंदोतिया ने सुरेंद्र सिंह का सर कलम करने की बात कह दी, जिस पर बवाल खड़ा हो गया। सुरेंद्र नाथ सिंह के बयान पर सियासी बवाल मचा था और पार्टी व मुश्किल उनका बचाव कर रही थी। देखिए, मैं इसको उचित नहीं मानता। जैसा पार्टी की सार्वजनिक जीवन में लोग काम कर रहे हैं, हम अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से कहें पर लोकतंत्र में हिंसा को कोई स्थान नहीं है। और मैं समझता हूँ कि भावनात्मक रूप से स्पीच देते समय ये गलती उनसे हुई होगी, उनका भी उद्देश्य ये नहीं रहा होगा, शब्दों का कहीं फर्क हुआ। एक निगम अधिकारी के साथ भी उनकी बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें कह रहे हैं कि अतिक्रमण गाड़ियों पर आग लगा दी कर्मचारी। ये उचित नहीं है, मैं इसको ठीक नहीं मानता हूँ। लोकतंत्र में अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से कहना चाहिए और ये बिल्कुल उचित नहीं। लेकिन सुरेंद्र नाथ सिंह कहाँ मानने वाले थे, उनका एक कथित ऑडियो वायरल हुआ जिसमें वो नगर निगम अधिकारी को धमकी देते नजर आ रहे हैं। तो आप भी सुनिए पूर्व विधायक और अधिकारी के बीच फोन पर हुई बातचीत का ये कथित वायरल वीडियो। तो यार आज तो हमने जो है पूरे भोपाल में गदर किया और प्रदर्शन किया। जी सर, जी सर। और भोपाल में तो आपका जो जी सर, आपके जो अतिक्रमण वाले हैं ना पूरे भोपाल में। जी 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 जी। अगर मुझे कहीं भी गाड़ी दिख गई तो आग लगा दूंगा उसमें। सर
सर मैं तो अतिक्रमण के अंदर अभी बाहर ही हूँ 10 महीने से पिछले। अरे मैं तो बोल रहा हूँ ना, कल से हमारी टीम घूमेगी जी। अब कल से जैसे कोई दिख गया ना जी जी जी, और दो चार लोगों को नंगा करके घूम नंगा करके चले छोड़ेंगे शहर में। ठीक है ना, बता दिया है, आप अगर जाओ कहीं भी तो अलर्ट होके जाना। मैं तो कहीं जाते नहीं हूँ, आपको मालूम है कौन सी कार्रवाई में अभी जा रहा हूँ। किसी को छोड़ने वाला। अब जब सदन के बाहर और अंदर इतना हंगामा हो चुका था तो आखिरकार सुरेंद्र नाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि देर शाम उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, देश के दिल यानी मध्य प्रदेश में आखिरकार सियासतदानों को जनता के दिल में जगह बनाने की ऐसी क्या जल्दी है कि वो सियासी मूल्यों को ताक पर रख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो कोई किसी से कम नहीं है। सुरेंद्र नाथ सिंह ने सीएम का खून बहाने की बात कही तो कांग्रेस विधायक ने सुरेंद्र नाथ सिंह का सर कलम करने की बात कही। खून का बदला खून से लेने और सर काटने और कटाने की बात आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारी वतन परस्ती में करते थे, आपको बता दें। लेकिन जिस तरह से पहले की लड़ाई जो हुई वो वतन के लिए हुई, आज जो हो रहा है वो वाकई ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन आज कल के जो नेता हैं मौका परस्ती में ये बात कर रहे हैं, बीजेपी से सुरेंद्र नाथ सिंह या फिर आकाश विजयवर्गीय या फिर कांग्रेस से गिरिराज दंडौतिया, सबका हाल एक जैसा ही दिखाई दे रहा। तो उसी मुद्दे पर हम भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या अब की बार ये बिगड़ गई बीजेपी की जो पार्टी है वो, क्योंकि सुधरने की बात तो कर नहीं रहे हैं और तमाम जो पॉलिटिशियंस है कहीं ना कहीं इस मामले में घिरते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि ना कांग्रेस के नेता कम है ना बीजेपी के नेता कम है। चलिए पैनल से परिचय करा देती हूँ जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। दोपहर मेट्रो के संपादक है आशीष दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत सर। नवलय के संपादक है राकेश दुबे सर, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत सर। राकेश सर, सबसे पहले आप ही से इस खबर को हम समझने की कोशिश करेंगे, आखिर हो क्या गया है इन नेताओं को, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों। एक खून बहाने की बात करते हैं, दूसरे सर कलम करने की बात करते हैं, अधिकारियों को पीटने की बात, नंगा करके घुमाने की बात, इस तरह के शब्दों का उपयोग ऑडियो में भी हुआ है। किस तरह से देखते हैं आप, कहां चली गई है सियासत और वो मूल्य जिस पर राजनीति हुआ करती थी, आज राजनेता राजनीति नहीं गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा, मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार हमेशा इस बात की एडवाइजरी तो जारी करते हैं कि जनप्रतिनिधि के साथ नौकरशाह और अन्य समाज कैसे पेश आए, पर कोई भी पार्टी ये आज तक एडवाइजरी नहीं जारी कर पाई कि जनप्रतिनिधि जनता के साथ और अधिकारियों के साथ कैसे पेश आए। भारतीय जनता पार्टी के आकाश विजयवर्गीय हों, सुरेंद्र नाथ सिंह हों, या कांग्रेस के दंडोतिया हों, या आज विधानसभा में जो कुछ भी हुआ, उस सब पर अगर ठीक से विचार करें तो हमको पता साफ नज़र आता है कि जनप्रतिनिधि अपने होश हवास में काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा सर। आज मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने जो टिप्पणी की है वो टिप्पणी जनप्रतिनिधियों के व्यवहार को उच्छृंखलता को दर्शा रही है। सदन में कमलनाथ के बारे में सुरेंद्र नाथ सिंह ने जो भी टिप्पणी की वो सदन के बाहर टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी के साथ अमित शाह का, नरेंद्र मोदी का नाम जोड़ना और उनके नाम को लेकर सदन में प्रदर्शन करना किसी भी प्रकार से कहीं से भी संसदीय नहीं था। नर्मदा प्रसाद प्रजापति को अंत में ये बात कहनी पड़ी कि जो लोग यहाँ पर नहीं हैं और जन सेवा में उनका मुकाम आपसे बहुत ऊंचा है तो उनके नाम लेकर नारे लगाना गलत है, ये उनके यहाँ क्या। दूसरी तरफ हम देखें तो आकाश विजयवर्गीय हों, सुरेंद्र नाथ सिंह हों, जैसा सुरेंद्र नाथ सिंह ने बताया कि उसने हर तरह के प्रयास कर लिए थे, बिजली के बिल, वास्तव में बिजली के बिल भोपाल शहर में हजारों रुपए में आ रहे हैं, कहीं कोई उसकी सुनवाई नहीं है, एक नागरिक को तो कोई सुनता ही नहीं है। वर्तमान MLA और भूतपूर्व MLA तक भी इस चक्कर को लेकर घूम के आ जाते हैं। गुमटियों का मामला राजनीति खेल हो सकता है लेकिन बिजली का बिल इससे हर उपभोक्ता जुड़ा हुआ है, राजनीति का खेल नहीं है। इस सारी बात को लेकर सुरेंद्र नाथ सिंह आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन में ज़्यादा जोश में आकर उन्होंने वो सारी बातें कह दी जो उन्हें नहीं कहना चाहिए थी। मैं उनकी उस कृत्य का
पक्ष नहीं रखता हूँ, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के पास जब कोई विकल्प नहीं हो तो वो सिर्फ सड़क पर ही उतरेगा, उसके अलावा उस पर कोई चारा नहीं होता। सर, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ कि जब कोई विकल्प ना हो तो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना ठीक है, बस वहीं तक ठीक है। मैं यहीं तक सहमत हूँ, इसके आगे असहमत हूँ, क्योंकि इसके आगे सुरेंद्र सिंह से असहमत हूँ। जब उन्होंने वहाँ बीच सड़क पर इस तरह से मंच लगाकर और वहाँ पर जब वो इस तरह की बातें रख रहे थे, उसके बाद भी हमने एक प्रोग्राम टेलीकास्ट किया था, उसमें वो खुद मेरे साथ ही जुड़े हुए थे फोन लाइन पर, और मैंने उनसे बार बार ये बात समझने की कोशिश की कि क्या आप उन शब्दों पर कायम है जो आप वहां मंच से कह रहे हैं, तो वो बार बार यही रिपीट करते हुए नजर आए कि हाँ मैं अपने शब्दों पर कायम हूं। बस यही एक टर्निंग पॉइंट है। अगर ये जोश है और उसके बाद जोश में आपने होश खो दिए, तो उसके बाद भी आप होश नहीं संभाल रहे। जोश नहीं है, ये जोश नहीं, या हम है। जनप्रतिनिधि जैसे तैसे चिरोड़ी करके टिकट प्राप्त करता है, फिर हर मतदाता के हाथ पैर जोड़कर जनप्रतिनिधि बन जाता है, और जैसे ही नतीजा आता है उसके तेवर बदल जाते हैं। भोपाल कि जो दो सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ से खिसकी हैं, वो वहाँ के जनप्रतिनिधियों के अहम के कारण खिसकी हैं। बिल्कुल सही कहा। आज हम पूरे देश पर इस पर विचार करें तो उच्छृंखलता भाजपा के खाते में ज़्यादा दिखाई देती है, चाहे के आकाश विजयवर्गीय हो, चाहे सुरेंद्र नाथ सिंह हो, या उत्तर प्रदेश में बंदूक लहराकर डांस करने वाला विधायक, या ये कह सकते हैं कि लाइमलाइट से दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही ऐसे लोगों को। हाँ, ऐसे लोगों को बिल्कुल ये लाइमलाइट से दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। ये सारे लोग जो हैं ग्लैमर पसंद लोग हो गए हैं, और अहम इनका इतना बढ़ गया है कि आम आदमी से बात करने से कतराने लगे हैं। क्योंकि अब सुरेंद्र नाथ सिंह साइड ट्रैक हो गए हैं, तो अपने ट्रैक पर वापस आने के लिए बिजली का बिल, गुमटी इनका सहारा ले रहे हैं। यहाँ तक आंदोलन करने तक हमारी सहमति उनके साथ है, क्योंकि वो एक शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करें वो ठीक है, लेकिन खून बहाने की बात, गर्दन काटने की बात, बिजली काटने की बात, ये सारे के सारे आपराधिक कृत्य। इस मामले में दोनों ही पार्टियां अव्वल दर्जे पर दिखाई दे रही हैं। ये आपराधिक कृत्य, और ये आपराधिक कृत्य करने वाला विधायक हो या आम नागरिक हो, सबकी सजा एक बराबर होती है और सारे अपराध एक जैसे होते हैं। आशीष दुबे सर, आपकी नज़र में ये खबर क्या कहती है? दोनों ही तरफ से गला काटने को तैयार है, खून बहाने को तैयार है, आकाश विजयवर्गीय बल्ला उठा लेते हैं, अधिकारी को नंगा घुमाने की बात की जा रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसा अभी भी हम ये चर्चा में ये बात सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में इस तरह के मामले ज़्यादा आ रहे हैं, अनुशासनहीनता या अमर्यादित बोल या उच्छृंखलता, ये सारी चीज़ें भाजपा में बहुत ज़्यादा आ रही हैं। कांग्रेस के जिस विधायक ने बयान दिया है दंडोतिया ने, वो सुरेंद्र नाथ सिंह के बयान का जवाबी वार है, तो अब उसे तो उचित तो नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन वो जो बात होती है कि वह बॉस या हमारे जो सीएम हैं उनको डिफेंड करने, उनको अच्छे, उनको बचाने के लिए, उनके सामने आने, अच्छे नंबर पाने के लिए इस तरह का वो बयान दे दिया गया। इसके पहले सुखदेव पासे ने भी ये बात कही थी, उनके शब्द थोड़े ठीक थे, लेकिन उन्होंने भी ये बात कही थी कि पहले हमसे निपट लो फिर सीएम की बात करना, वहाँ तक ठीक है। लेकिन जो मूल, जो उसका उद्गम जो है इस पूरे घटनाक्रम का, जो सुरेंद्र नाथ सिंह ने जो कुछ बोला वो सबसे खराब, और मुझे लगता है इतना खराब और इस तरह से सार्वजनिक मंच से चीफ मिनिस्टर के बारे में बोलना इस तरह से बिल्कुल गलत है। इसीलिए भाजपा के सभी नेता, राकेश सिंह से लेकर बाकी सारे नेता, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर, सब बैकफुट पर हैं, कोई भी उनके समर्थन में आगे आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, क्योंकि वो बयान वाकई गलत है, नैतिक रूप से भी गलत है और राजनीतिक रूप से भी गलत है। सुरेंद्र नाथ सिंह की मजबूरी यह है कि सुरेंद्र नाथ सिंह की जमीन खिसक गई है मध्य प्रदेश में, जो अभी जो विधानसभा चुनाव वाली बात है, उनकी जमीन खिसक चुकी है। आकाश विजयवर्गीय तो एक दंभ में या एक ओवर कॉन्फिडेंस में इस तरह का कृत्य कर बैठते हैं, एक बैट लेके कोई एक कहीं एक मामला आया था नगर पालिका का, वहाँ दौड़े थे कुछ लोग, कहीं विंध्य वगैरह में कहीं भाजपा के थे वो भी। लेकिन सुरेंद्र नाथ सिंह की मजबूरी है, वो चुनाव हारे हैं, और वो चुनाव हारने के बाद उनको अपनी ज़मीन मजबूत करना है। जिन लोगों के सहारे उन्होंने राजनीति की है अब तक, उनका सहारा बने रहने का एक भ्रम उनको वहाँ पे खड़ा रखना है, तो उस सारी चीज़ों में उन्होंने इस तरह की बात की। ये बात सही है कि भोपाल में बहुत सारे प्रॉब्लम है, बिजली का है और उन दूसरी चीज़ों का है, लेकिन वो जिस चीज़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, गुमटी वालों का, तो वो ठीक है, उनका जीवन चलाने के लिए उन्हें भी कुछ करना है, उनको भी कहीं ना कहीं बसाना चाहिए, लेकिन उससे शहर को जो प्रॉब्लम हो रही है और कानून का उल्लंघन हो रहा है उसका क्या होगा? तो अगर उस तरह की कार्रवाई हो रही है तो उसको किसी और तरीके से प्रोटेस्ट किया जा सकता था, जो वो कर रहे थे वहाँ तक भी ठीक था, लेकिन उसके बाद वही बात बोलना और बार बार वही बात बोलना, और शाम को भी जो उनके कुछ बयान, कुछ उन्होंने
जो लोगों से बात की उस दौरान भी उसको चीफ मिनिस्टर को संबोधित, यहाँ सर मैं मेरे साथ जब वो प्रोग्राम में फोन लाइन पर कनेक्ट हुए थे तब भी वो चीख चीख कर उस बात पर कायम रहने की बात कह रहे थे, वही वो तो अपने आप में शर्मनाक है, शर्मनाक है। और वो उनकी राजनीतिक एक हताशा मुझे लगती है। सुरेंद्र नाथ सिंह पुराने नेता है, अच्छे नेता है, और ये जो उनके बोल सामने आ रहे हैं पिछले कुछ समय से, ये बिल्कुल उनकी छवि से मेल नहीं खाते हैं। तो मुझे इसलिए सीधा लगता है कि ये राजनीतिक उनकी जो एक फ्रस्ट्रेशन है, वो अपनी ज़मीन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस वक्त उन्हें ऐसा लग सकता है कि इस तरह के शगुफों से वो उन लोगों के मसीहा की तरह सामने आ सकते हैं जिनके लिए वो वहाँ पर लड़ने खड़े हुए हैं। तो ये बस उतना पार्ट है उनका। लेकिन ये भाजपा की जो विचारधारा की बात की जाती है और जिस तरह से भाजपा अपने आप को प्रदर्शित करती है, उससे भी ये मेल नहीं खाता। तो ये आश्चर्यजनक चीज़ें हैं। और भाजपा में बहुत सारे ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा में संगठन स्तर पे कोई लाइन तय होना चाहिए। अभी पिछले 6 महीने से ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, हम आप देखते हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि भाजपा किस लाइन पर जाके कांग्रेस से लड़ना चाहती है। सब अलग अलग तरीके से बातें हो रही हैं, और एक रचनात्मक विपक्ष का जो भाजपा का रोल है, इतना बड़ा विपक्ष है वो उस पर मुझे कहीं वो कम नजर आ रहे हैं। कह सकते हैं आवेदन निवेदन और दनादन जैसी चीजें जो आकाश विजयवर्गीय कह गए, लेकिन उसका असर जो दूर दूर तक हुआ है वो अब दिखाई देने लगा है। दुबे सर, बीजेपी जो दिख रहा है क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं उनके पॉलिटिशियन? क्योंकि जब सुरेंद्र नाथ सिंह जी से बात कर रही थी तो वो कह रहे थे ये मेरी खुद की थिंकिंग है, ये मैं कह रहा हूँ, मेरी पार्टी नहीं कह रही है। जब आप एक पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, तो कैसे पार्टी की विचारधारा आपसे नहीं जुड़ती? या तो फिर ये इस तरह की बातें करने के लिए इन्हें अपनी पार्टी से अलग हो जाना चाहिए, छोड़ देनी चाहिए पार्टी? आप क्या कहेंगे इस पर? जितने भी लोग इस तरह की बयानबाजियां करते हैं, पार्टी को उन्हें निकाल बाहर फेंकना चाहिए? क्योंकि इसकी जगह नहीं है इस देश में, लोकतंत्र में। पार्टी ये बातें कहती जरूर है, लेकिन पार्टी करती कुछ नहीं है। पार्टी ने प्रज्ञा ठाकुर के मामले में कुछ कहा, पार्टी ने आकाश विजयवर्गीय के मामले में कुछ कहा, पार्टी ने नलिन कतील के मामले में कुछ कहा, पार्टी ने दूसरे और देश के हिस्सों के मामले में कुछ कहा, लेकिन उन सारे मामलों में आज तक भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तो कोई कार्रवाई नहीं कर सका। बिल्कुल, कुछ लोगों के तो जवाब भी नहीं हुए। हुआ ये कि एक प्रवक्ता जो है उसको जरूर आपने निलंबित कर दिया, किसी एक विधायक को निलंबित कर दिया, लेकिन इससे कोई आमूलचूल परिवर्तन पार्टी के चरित्र में आया ऐसा नहीं है। पार्टी का चरित्र तो दिन पर दिन इन कार्रवाइयों से गलत होता जा रहा है। मैं बहुत दूर की बात नहीं करता, जब राकेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष बने थे उन्होंने अपनी पहली पत्रकार वार्ता में जिस तरह का भद्दा इशारा प्रेस के लिए किया था, वो बताता है कि आप कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। जब आप खुद मीडिया के बारे में गलत किस्म की टिप्पणी करेंगे तो आपको क्या ये अधिकार बनता है कि अब आप सुरेंद्र नाथ सिंह को या आकाश विजयवर्गीय को या प्रज्ञा ठाकुर को किसी अन्य पर कार्रवाई कर सकें? सबसे पहले कार्रवाई करने के पहले खुद को मजबूत करना होता है। अब ना तो किसी मंत्री का की हिदायत चलेगी, ना प्रधानमंत्री का बौद्धिक काम आएगा। जो कुछ काम आएगा वो आएगा आपका अपना काम, आपका अपना व्यवहार। भारतीय जनता पार्टी की भोपाल में जो 2 सीटें कम हुई थी वो उनके विधायकों के अहम और उनके काम के कारण कम हुई। आज वो उसको रिगेन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तो पानी बहुत बह गया है। पानी सर से ऊपर जा चुका है, पानी बह गया है, जो भी हम कहें वो कम ही होगा ऐसे लोगों के लिए जो इस तरह के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। मंच से आप जनता के बीच में इस तरह की बातें कर रहे हैं, वहाँ आवेदन निवेदन दनादन जैसे बीजेपी के नेता बात कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता सर कलम करने की बात कर रहे हैं। जो आवेदन निवेदन और दनादन वाली बात कही, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि इसकी शुरुआत किसने की थी। सर याद करवाइए। जिस भाजपा नेता ने इसकी शुरुआत की थी उसने 15 साल तक अबाध रूप से मध्य प्रदेश पर शासन किया और आज भी वो मध्य प्रदेश बीजेपी के नंबर 1 है। सर मैं चाहूंगी डिस्क्लोज कीजिए सर इस बात को, सीक्रेसी नहीं रहनी चाहिए। करने वाले व्यक्ति एक ही रहे हैं यहाँ पर, उनका नाम शिवराज सिंह है। ये नारा उन्हीं के द्वारा क्रिएट किया गया है। मतलब आकाश विजयवर्गीय कोई झूठ नहीं बोल रहे थे? आकाश विजयवर्गीय तो उसी नागफनी के पौधे हैं ना। जो नागफनी का पेड़ हमने पिछले 15 साल में 20 साल में तैयार किया है उसी के पौधे निकले हैं, और उसी के पौधे निकल गए इसे सड़क पर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अनुशासन के लिए जानी जाती थी आज अनुशासनहीनता के लिए जानी जा रही है। तो ये जो परिवर्तन आया है भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को,
अपने जनप्रतिनिधियों के बारे में एक कोड ऑफ कंडक्ट तय करना चाहिए। वो ये तय करें कि जनप्रतिनिधि सामान्य आदमी से, सरकारी अधिकारियों से कैसे बर्ताव करें। वो ये मान के चलते हैं कि जो मतदाता है उससे तो उसी दिन तक का साथ है जब तक कि वोट देता है, और सरकारी अधिकारी तो हमारे गुलाम है। ये भाव निकाल लेना चाहिए। बिल्कुल, ये जो मेंटालिटी है, थॉट, जो दिमाग ये जो भाव लेकर वो चल रहे हैं, ये भाव ठीक नहीं है, किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए ठीक नहीं है। जनप्रतिनिधि को जितना विनम्र होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इन लोगों को पढ़ते नहीं। कभी गांधी को पढ़िए, गांधी की विनम्रता देखिए, गांधी की हाइट के मुकाबले में 1% भी नहीं है ये लोग। बिल्कुल सही कहा सर, जो जो गांधी जी की सोच थी, उनकी विचारधारा थी, उसको बोल बोल के अपनाना नहीं है, उसको अपने करके देखिए ना, जीवन में उन सारी बातों को उतारने की जरूरत है। अब नेताओं को जिस तरह की टिप्पणियां वो कर रहे हैं, एक चीज और मैं आशीष सर आपसे यहाँ पर समझना चाहती हूँ कि ये तो हम देख ही रहे हैं इन दिनों किस तरह से दिनों दिन सालों साल जो है जो थिंकिंग है, जो थॉट्स है, जो मेंटालिटी है, वो किस तरह से चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। एक दूसरे को गालियां देना, और हम देखते भी है ना, आपने भी इतने इसने पैनल में हम बैठे हैं इतने लोगों के साथ, कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ताओं के साथ, किस तरह से एक दूसरे को कोसते, एक दूसरे की पार्टी को कोसते, और बाद में जब बाहर निकलते हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़ कर निकलते हैं। तो जब आपको सिर्फ ये मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए चाहिए, आपको सिर्फ लाइमलाइट में रहने के लिए चाहिए, तो आप जनता को धोखा क्यों दे रहे हैं? आप क्लियर कीजिए ना, दोनों पार्टियों को क्लियर करना चाहिए। ये दोस्ती यारी स्टूडियो के बाहर तो होती है, लेकिन जनता के सामने, जिस टेलीविजन पर जनता इन्हें देखती है, वहाँ ये लोग ऐसे कोसते हुए एक दूसरे को दिखाई देते हैं और तमाम मर्यादाओं को भूल जाते हैं, चाहे वो महिला पैनलिस्ट हो। मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, ये तमाम चैनल्स पर होता है। बिल्कुल सही बात है, ये गिरावट का दौर है, राजनीति में गिरावट का दौर है, कई जगहों पर हम ये देख रहे हैं और यहाँ भी इससे अछूते नहीं हैं। तो अब इसमें सिर्फ यही बात आ सकती है कि राजनीतिक दल, ये कुछ जैसे कांग्रेस और भाजपा का यहाँ पर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होल्ड है पॉलिटिकल, तो ये पुरानी पार्टियाँ भी हैं, इन्हें सोचना चाहिए कि ये मतदाताओं को, और आजकल मतदाताओं को बहुत जल्दी माइंडसेट भी बदलता है, अगर वो किसी को सर पर बैठाते हैं तो बहुत जल्दी उसको उतार भी देते हैं, तो इन्हें सोचना चाहिए। एक नियमित एक प्रशिक्षण, एक पाठ्यक्रम, एक इस तरह की चीज़ें इनको दिखानी है और इनको उसके उस तरह से तैयार करना ही पड़ेगा। ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। इसकी वजह यह है कि जिस तरह का आचरण ये लोग सार्वजनिक, मतलब किसी प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, मीडिया का या किस तरह का उपयोग करते हैं, और उसके बाद जिस तरह के काम करते हैं आपस में मेल जोल करके, कारोबार, व्यापार, राजनीति, ये सब जो पर्दे के पीछे करते हैं, तो ये चीज़ें छुपी नहीं रहती हैं। ये जमाना बहुत तेज़ी से बदल रहा है और इसमें ये प्रैक्टिस बहुत लंबे समय मुझे लगता है चलने वाली नहीं है। और यही वजह है जिस तरह का आचरण हो रहा है, आप देखिएगा कि जो नया जनरेशन है, नया मतदाता है, आम तौर पर वो पॉलिटिशियन से मतलब नहीं रखता। या सर, ये जो अभी हम ऑडियो भी सुन रहे थे जिसमें सुरेंद्रनाथ सिंह जी की बातें हैं, जिसमें वो अधिकारी को धमका रहे हैं, ये अधिकारी भी अपना, उनका जो खुद का दबदबा होना चाहिए, जो उनका काम है, जो उनका कर्तव्य है, वो कितनी शालीनता से उनकी बातों को सुन रहे हैं। जी जी कर रहा है और इस तरह की बातें कर रहा, तो वही गिरावट तो है कि राजनीति और प्रशासन की कुछ ऐसी साठगांठ कई जगहों पर, कई स्तरों पे हो गई है। नगर निगम जैसी जो बॉडीज होती हैं काम करने वाली, वहाँ पर बहुत बहुत लोकल लेवल पे सारी चीज़ें मैनेज होती हैं, तो बहुत आपस में ये तालमेल, वो नेक्सस बहुत आसानी से बनता और बरसों तक टूटता नहीं है। नगर निगम की राजनीति सुरेंद्रनाथ सिंह ने बहुत लंबे समय की है, तो वो सारी चीज़ें मिली हैं, और अभी 15 साल का शासन है, नया नया अभी ताजा विपक्षी हुए हैं, तो ये सारी चीजें जो है इन सब में काम करती हैं। लेकिन तो ये प्रशासन को, बिल्कुल, प्रशासन के अधिकारियों को सोचना चाहिए कि उनका दायित्व क्या है, उनकी नौकरी की शर्तें, अनिवार्य शर्तें क्या हैं। अगर वो इस तरह से तालमेल करेंगे तो ये स्थितियां तो बहुत खराब होंगी, और जो जिस अतिक्रमण और जिसके बारे में वो कार्रवाई कर रहे हैं, अब नगर निगम या प्रशासन करा रहा है, तो वो तो उनकी देखरेख में हुआ है ना वहाँ पर, उस वक्त वो कर सकते थे। बिल्कुल राकेश सर, ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां से फटकार पड़ी थी, वो भी तहजीब नहीं सिखा पाई, तो क्या लगता है आपको कि तहजीब की लिमिट सेट कर देनी चाहिए पार्टियों को, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी हो, आरएसएस के तमाम नेता जो बहुत अच्छे से अपने आप को बताते हैं, लेकिन यहाँ तक आते आते वो रूल्स एंड रेगुलेशन खत्म हो जाते हैं। देखिए, ये तो अब लिमिट क्रॉस हो गई है, अब इसको वापस लाने के लिए कांग्रेस हो या भाजपा हो या अन्य कोई दल हो, एक फिर से विचार करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है राजनीति विचार नहीं हो गई है, राजनीति धंधा हो गई है। जब राजनीति कोई भी चीज़ धंधा हो जाती है,
तो फिर धंधे में सारे काम जायज और नाजायज सब होते हैं। पहले राजनीति करना विचार था, देश बनाने की बात कर रहे थे, अब देश बनाने की तो कोई बात नहीं करता, सब अपना काम बनाने की बात करते हैं। पीएम की नसीहत काम नहीं आ रही सर, कोई नहीं है, पीएम की नसीहत काम कैसे आएगी, हमें खुद एक बड़ा उदाहरण खुद पेश करना पड़ेगा, तब जाकर हम किसी को नसीहत दे सकेंगे। सिर्फ बोल वचन से कुछ नहीं होगा, सिर्फ बोल वचन वही होगा, बोल वचन से जो अभी हो रहा है, ये जो लिमिट अभी थोड़ी क्रॉस हुई है, थोड़े दिन के बाद ये और क्रॉस होती हुई नजर आएगी, अगर अभी इस पर ब्रेक नहीं लगा। ब्रेक कैसे लगेगा, ब्रेक कैसे लगेगा आशीष सर, ब्रेक कैसे लगेगा, बोल बच्चन से तो कुछ नहीं हो रहा, हमने देख लिया बीजेपी में भी कुछ नहीं हो रहा, कांग्रेस में तो अभी सरकार में आई, थोड़ा जोश होगा उनमें, ये सब सख्त कार्रवाइयों से ही संभव है। अब इसमें इतना आसान नहीं है कि इन्हें ब्रेक, ये सब बेलगाम नेता है। अभी अभी थोड़े दिन पहले मुझे अचानक याद आया, शिवराज सिंह चौहान ने भी कुछ इसी तरह के तेवर दिखाए थे, जब वो आदिवासी भोपाल में घुसना चाह रहे थे और पुलिस उन्हें रोक रही थी, तब शिवराज सिंह के भी इसी तरह के तेवर, विधानसभा का घेराव करूंगा कि देखते हो मुझे कौन रोकता है, भवन का घेराव करूंगा, इस तरह की बातें, घर घुसूंगा और कौन रोकता है मैं देखता हूं, तो इस तरह की बातें। तो ये बड़े नेता जो हैं, जिनके पीछे ये नेता चल करके लोग कार्यकर्ता चल के नेता बने हैं, तो उन बड़े नेताओं को पहले अपने आचरण में उस तहजीब को, उस समझ को लाना चाहिए, उनको पहले देखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो अनुशासन का जो डंडा होता है वो सब पे समान रूप से पार्टी में चलना चाहिए। इंदौर वाले मामले में मुझे लगता है पार्टी पर ही नहीं, जो सिटीजन है इस देश के, जो रहने वाले हैं इस देश के, उन तमाम लोगों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए जो हमारे देश में नहीं है। कोई भी किसी को भी कुछ भी बोल देता है, वही होता है ना, जब उनके नुमाइंदे जब इस तरह के कानून तोड़ते हैं तो नीचे भी लोगों को इस तरह की शय मिलती है कि वो उस तरह से काम करें। ये शय देने का काम कर रहे हैं पॉलिटिशियन, इनडायरेक्टली वही कर रहे हैं उस तरह की शय देने, क्योंकि उनके पीछे कई कार्यकर्ताओं की भीड़ चलती है। और सब तरह का एक लास्ट कॉमेंट राकेश सर, पिट्ठू कलेक्टर उल्टा लटका दूंगा, और अभी जो मामला ताजा अभी आशीष जी ने भी याद कराया, वल्लभ भवन का घेराव करूंगा, ये पहले तो शुरुआत बीजेपी ने की, अब एंड भी बीजेपी करना चाह रही है या फिर कोई और भी चीजें दिखाने की कोशिश है, आपको क्या लगता है? क्लास छोटा सा कमेंट। कुल मिलाकर जो आज का माहौल है वो इस तरह से है, इस तरह से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, कोई अदालत में है खड़ा तो कोई अदालत से है फरार। बिल्कुल सही सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो लोकतंत्र का ये कैसा नसीब, नेताओं ने रखी ताक पर तहजीब, तो ताक पर तहजीब है गुमटियां बचाने के लिए विवाद हुआ और विवादित बयान भी दिए गए, सियासी घमासान भी खूब मचा, लेकिन इस घमासान के बीच ये याद भी आपको दिला दें कि ये कोई नई बात नहीं है बीजेपी के लिए, पहले भी कई तरफ से बीजेपी के तमाम नेता इस तरह की बातें कहते आए और उसका एग्जाम्पल भी इस चर्चा में निकल कर सामने आया कि शिवराज जी खूब इस तरह की बातें कर चुके हैं। ताज़ा मामला आकाश विजयवर्गीय का सामने आ गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नसीहत काम नहीं आई, अब जो है सुरेंद्र नाथ सिंह साहब ने खून बहाने की भी बात कर डाली, अधिकारी को नंगा करके घुमाने की बात कर डाली, कांग्रेस भी कहां पीछे रहती, कांग्रेस की तरफ से भी विधायक उठे और कत्ल करने की बात या फिर गर्दन काटने की बात जैसी भी बातें निकलकर सामने आई, लेकिन कहां गई वो तहजीब जो इन नेताओं में होती थी। आइडियल होते हैं ये कई लोगों के, कई युवाओं के आइडियल होते हैं जिनको देखकर उनके जैसा बनने की कोशिश कई लोग करते हैं, लेकिन क्या अब वक्त है कि इनके कुछ पॉइंट्स को अडॉप्ट किया जाए और बहुत सारे पॉइंट्स को हटा दिया जाए, उनमें से इनकी तहजीब भी होगी। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहें नादी टीवी, नमस्कार।